अपने आप को ये समझता हूँ कि बेटी नहीं है, बेटा है, क्योंकि जिसने अगर अच्छा करके आई है, अपने माता पिता का सपना पूरा किया है और अच्छा करके आई है, मैं तो यही बोलूँगा, हर पेरेंट्स के बोलूँगा, बच्चों की, बेटियों की हिम्मत बनो और बेटियों को आगे तक जहाँ तक जाना चाहती हैं उनको पहुँचाएं। मैं सारे ग्रह पानी साइकिल ले लो ना, ये सारे मेरा नाम अंजलि है। तो मैं एथलीट में एथलीट की तैयारी कर रही थी। तो मैं वहाँ यहाँ से मेरी फ़र्स्ट ऑफ मैं स्टार्टिंग से एथलीट का मुझे था कि मुझे नेशनल जाना है, मुझे ओलंपिक्स तक जाना है। मेरा ये सपना है कि मैं ओलंपिक्स खेलूँ। तो जैसे कि फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल दिए, डिस्ट्रिक्ट में भी सिलेक्शन हुई, यहाँ पर भी मेरा फ़र्स्ट आया। उसके बाद मैं स्टेट लेवल पे जम्मू से मेरी सिलेक्शन हुई, एमएम कॉलेज से, वहाँ एमएम स्टेडियम से वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई, वो यूपी के लिए। तो यूपी में भी वहाँ पे जब हम जब गए, वो मैम का भी योगदान था। सबसे बड़ी सपोर्ट तो मेरे घर वालों की है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आगे जाने का मौका मिला उनकी वजह से। तो यूपी में जाके भी वहाँ पे मथुरा में जब हमारा एथलीट का वो हुआ, तो उसके बाद 10 किलोमीटर का इवेंट था। तो मेरा ये था कि मुझे वहाँ पे गोल्ड लाना है, पोजीशन तो मेरी आएगी पर मुझे गोल्ड लाना था। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा मेरा और फाइनली मेरा गोल्ड आ गया वहाँ पे। आप वैसे तो ये सबसे पहले गर्ल्स के लिए यही चीज़ होती है कि गर्ल्स को सपोर्ट होनी चाहिए। गर्ल्स सबसे पहले उनके पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए। पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें तो गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल भी ना मुश्किल नहीं है कि वो आगे जाके। सबसे पहले घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे, मैं सब गर्ल्स से ये कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स को भी आगे जाना चाहिए। हम भी लड़कों की तरह टफ कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं वहाँ जाके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, हमें भी आगे, हम भी उनसे किसी से कम नहीं है। हमें भी बॉयज़ की तरह आगे जाने का मौका मिलना चाहिए और आगे जाके अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। क्या सब मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊँ, मेरा स्टार्टिंग से यही है, मैं डिफेंस में। और अब तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स तक पहुँचूँ। नेशनल लेवल तो मेरा क्लियर हो गया, वहाँ पे मैं नेशनल में गोल्ड लाई हूँ। मेरा ये रहेगा कि इंटरनेशनल में भी मैं अच्छा खेलूँ, उसके बाद मैं ओलंपिक्स में ट्राई करूँ। ये इसका क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि इन सब की वजह से मुझे आज यहाँ पे मेरा गोल्ड आया है। क्योंकि ये अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो ये मुश्किल था। ये मैसेज है कि स्पेशली गर्ल्स को ये कहना चाहती हूँ कि उनको, हर एक लड़की को अपने आप को अच्छा साबित करना चाहिए कि आगे जाके हम किसी से कम नहीं है कि बॉयज़ की कंपैरिजन में। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को, जैसे भी कोई ऐसा अच्छा करके आता है तो आप आगे उनको दिखाते हो, तो बच्चों का हौसला इसी वजह से बढ़ता है ज़्यादा कि वो बच्चा करके आया है तो मैं भी कुछ आगे बन के बताऊँ। तो बाकी तो हर पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को, बेटियों को किसी से कम नहीं समझें, बेटियों की हिम्मत बनो, उनकी कमज़ोरी मत बनो, क्योंकि कई होता है कि पेरेंट्स कभी ऐसा करते हैं कि आगे अपने बच्चों को कहीं होता है तो बोलते हैं नहीं भेजना है, बाहर नहीं भेजना है। बेफिक्र भेजो, अपने अपने बच्चे पे पूरा विश्वास दिखाओ और बच्चों को ऐसा करो कि बच्चे आगे बढ़ के सब कुछ कर सकती हैं। बेटियाँ ऐसे किसी से कम नहीं हैं, बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ उनकी हिम्मत बढ़ना है, और उनकी हिम्मत ही बढ़ना सबसे बड़ा अच्छा। और रही बात किसी भी पेरेंट्स के लिए, ये बड़ी छोटी बात नहीं है कि उसका बच्चा अच्छा करके आए, गोल्ड लेके आए, कुछ भी आगे कुछ भी करे, ये तो सिर्फ फ़ख्र वाली बात है। मैं तो आज अपने आप को ये समझता हूँ कि बेटी नहीं है, बेटा है, क्योंकि जिसने अगर अच्छा करके आई है, अपने माता पिता का सपना पूरा किया है और अच्छा करके आई है, मैं तो यही बोलूँगा, हर पेरेंट्स के बोलूँगा, बच्चों की, बेटियों की हिम्मत बनो और बेटियों को आगे तक जहाँ तक जाना चाहती हैं उनको